वेलकम डियर लर्नर्स। आज के इस क्लास में हम लोग स्किल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ग्राफिकल डेटा एंड हाउ टू कैलकुलेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं स्किल्स ऑफ डेटा कलेक्शन से। एसएस स्टीवेंस ने 1951 में स्किल्स ऑफ डेटा कलेक्शन दिए, और ये वो स्किल्स हैं जिनके तहत हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। पहला स्केल नॉमिनल स्केल है। इसके तहत जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं उसको हम केवल लेबल कर सकते हैं, उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम उसका मीन, मीडियन और मोड भी नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने क्लास के अंदर में बॉयज और गर्ल्स को अलग किया। बॉयज को हमने बी कहा, गर्ल्स को हमने जी से रिप्रेजेंट किया। दूसरा जो स्केल होता है उसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इसमें डेटा को ऑर्डर्स या रैंक्स में प्रस्तुत किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चों का टेस्ट लिया और बच्चों को उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने उनको रैंक किया। सपोज आपकी क्लास में 95% वाला बच्चा टॉपर है, आपने उसको रैंक 1 दिया। जो 94% वाला बच्चा है आपने उसको रैंक 2 किया। और सपोज जो थर्ड आया है उसकी रैंक 90% है, तो आपने इन तीनों बच्चों को आपने रैंक वाइज उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है रैंक प्रोवाइड की है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो रैंक 1 और रैंक 2 के बीच का डिफरेंस है, 95 और 94 के बीच का जो डिफरेंस है 1, वो ही रैंक 2 और रैंक 3 के बीच का डिफरेंस है। मतलब 90 और 94 के बीच का डिफरेंस जो 4 है, दैट इज नॉट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 2। तो यही इस स्केल में जो है एक खामी है, या आप कह सकते हैं कमी है, जिसको अगले स्केल में जिसकी भरपाई की गई है। जो दूसरा स्केल है उसको इंटरवल स्केल कहा जाता है। इसमें हम डेटा को इंटरवल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दोपहर का आज टेम्परेचर देखा और आपने जांचा कि आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, आपने कहा कि वो 45 डिग्री था। तो जो 45 डिग्री का जो आइडिया है टेम्परेचर का, ये डायरेक्टली आपको 45 डिग्री की जो भट्टी है, जो जब भट्टी 45 डिग्री पर गर्म रहती है, उसका आइडिया देता है। इस स्केल में आर्बिट्रेरी जीरो नहीं होता है, रैंडम जीरो नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जीरो डिग्री डज नॉट शो एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर आप जीरो डिग्री कहें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि टेम्परेचर है ही नहीं। इनफैक्ट जीरो डिग्री जब होता है टेम्परेचर, तो हम कहते हैं कि ये ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है कूल हो गया है या ठंड हो गई है। जो सबसे हाईएस्ट और प्रिसाइस स्केल होता है उसको हम रेशियो स्केल कहते हैं। और इसमें जो पहले वाले जो स्केल में कमी थी वो इसमें सॉर्ट आउट की गई है। उसमें रैंडम जीरो नहीं होता था, आर्बिट्रेरी जीरो नहीं होता था, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी जीरो होता है, जो ये शो करता है कि जीरो मीन्स नथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीरो केजी वेट कहें तो आप कहेंगे कि इट इज़ वेटलेस, इसमें कुछ भी वेट नहीं है। या आप जब जीरो ग्रेविटी की बात करते हैं, देन यू से दैट देयर इज नो ग्रेविटी, यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है। जब आप जीरो की बात करेंगे तो आप ये कह रहे होंगे कि ग्रेविटी है ही नहीं, द ट्रेट इज कम्प्लीटली एब्सेंट। आइए हम देखें कि किस तरीके से डेटा को ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम की ही चर्चा करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी ग्राफ्स होते हैं जिनको हमने इस स्टडी में शामिल नहीं किया। आइए हम लोग बार ग्राफ के बारे में चर्चा करें। सो बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा। जब आपके पास में डेटा नॉमिनल स्केल पे होता है या कैटेगरिकल स्केल में होता है, जैसे हाई, लो, गुड, बेटर एंड बेस्ट, इस टाइप के जो जब डेटा आपके पास में आता है, या बॉयज और गर्ल्स, या लैंग्वेज के आधार पे या कलर के आधार पे जब आपके पास में डेटा आता है, तो आप उसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज 150 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में आप ये जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे हिंदी बोलते हैं, कितने बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, कितने बच्चे गढ़वाली बोलते हैं और कितने बच्चे पंजाबी बोलते हैं, तो इस डेटा को हम बार ग्राफ या पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये आपके सामने में बार ग्राफ है। आप देख सकते हैं इस लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने डेटा की कैटेगरीज को रखा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हिंदी वाला कॉलम है, यहाँ इंग्लिश वाला कॉलम है, यहाँ गढ़वाली है और यहाँ पंजाबी है। और इस वाले जो एक्सिस है, जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, तो वाई एक्सिस में हम देख सकते हैं हमने यहाँ नंबर्स डाले हैं। ये नंबर्स इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसी ग्राफ को देखकर
ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी स्पीकिंग पीपल या हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितने हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 और 60, 0 और 30 का इंटरवल आप इनके बीच में पा सकते हैं। तो राउंड अबाउट अगर आप इसको अगर इसको तीन यूनिट्स पे ब्रेक करें तो ये लगभग 40 और 50 के आसपास जो है ये आपका कॉलम की हाइट यहाँ पर जाती है। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश की हाइट 30 से मैच करती है, और जब गढ़वाली की आप देखें तो ये अराउंड 10 के आसपास है, और जब पंजाबी को आप देखें तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर लगभग 60 को जो है कोइंसाइड करती है। और इसलिए हम कह सकते हैं इस पूरे ग्राफ को देखकर कि पंजाबी बोलने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में हिंदी स्पीकिंग है, उसके बाद में इंग्लिश है, और लास्ट में गढ़वाली स्पीकिंग बच्चे हैं। तो यही ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है, बहुत सारा डेटा जो आपको कैटेगराइज करके एक्सप्लेन करके बताता है। आइए हम दूसरे ग्राफ के बारे में जानेंगे जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं। इसी डेटा को यदि हम पाई चार्ट के थ्रू जानना चाहें तो पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। जो हमारे पास में जो पिछले आंकड़े थे उन्हीं आंकड़ों को मैंने पाई चार्ट के थ्रू आपके सामने में डिस्प्ले किया है। हम ये जानते हैं कि 50 बच्चे हिंदी स्पीकिंग थे, तो इस पाई चार्ट के जो अंदर जो डिग्रीज हैं वो 360 हैं। इस पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्रीज होते हैं। आप जानते हैं मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है कि अराउंड अ पॉइंट देर आर अराउंड 360 डिग्रीज। सो इस डेटा को हमने इन 360 डिग्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो एंगल्स हम किस तरीके से जनरेट करें। तो उसके लिए सिंपल है, अगर आप हिंदी को जानना चाहते हैं कि हिंदी स्पीकिंग बच्चे कितना एंगल इस पे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जितने बच्चे हिंदी स्पीकिंग है अपॉन टोटल 150 स्टूडेंट्स इंटू 360 आप कर लेंगे। इससे आपको एक नंबर जनरेट हो जाता है, जैसे यहाँ पे 120 आपको मिला है, ये 120 डिग्री है, जिस पूरे सर्कल के अंदर एक पार्ट है 120 डिग्री। तो आपने किसी भी एक पॉइंट पर आपने एक स्ट्रेट जो है आपने रेडियस खींचना है, उस रेडियस पे ही आपने 120 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है। जब आप इंग्लिश का पार्ट जानना चाहेंगे कि इंग्लिश इस सर्कल में कितना एरिया कवर करेगा, देन आप जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं 30 अपॉन टोटल जो बच्चे हैं जो हमने सैंपल में या सर्वे में लिए हैं 150 इंटू 360 करेंगे, तो आपको इसका एक नंबर मिल जाएगा, दैट इज 72। इस केस में 72 आया, तो 72 इंग्लिश को हमने ब्लू कलर से यहाँ पे शो किया है। अब जब आप इस वाले पार्ट को बनाएंगे, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आप क्या करेंगे, इस वाले रेडियस से, इस रेडियस को आधार मानते हुए प्रोटेक्टर को इस पर रखकर 72 डिग्री सीधे प्रोटेक्टर से आप पॉइंट आउट करके इसको ड्रॉ करेंगे, और आपके लिए फिर एक और रेडियस यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है गढ़वाली। तो गढ़वाली 10 बच्चे बोलते हैं, इसलिए हमने 10 अपॉन 150 इंटू 360 किया। फॉर्मूला यही रहेगा सब में, और इस तरीके से आपको 24 डिग्री गढ़वाली के लिए मिल जाएगा। तो आप ये जो पर्पल कलर का है ये गढ़वाली बोलने वालों का पार्ट है, तो आप इस वाले रेडियस को आधार मानते हुए इस पर आप 24 डिग्री इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और लास्ट का जो हिस्सा वो ऑटोमेटिकली वो उनका आ जाएगा जो रिमेनिंग है। इस केस में पंजाबी जो 60 है उनका ये जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली वो आपके सामने में आ जाएगा। सो दिस इज़ अराउंड 144, ये 144 डिग्री है। अगर आप इसको प्रोटेक्टर से नापेंगे तो ऑटोमेटिकली 144 निकल के आ जाएगा। और इस पाई चार्ट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एट वन टाइम आपको मिल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पाई चार्ट में जो सबसे कम हिस्सा है वो किसका, तो आप कहेंगे कि सर ये जो पर्पल वाला हिस्सा ये सबसे कम है। तो ये पर्पल वाला हिस्सा हम यहाँ पे देखते हैं जब, तो ये गढ़वाली का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में गढ़वाली बोलने वाले बच्चे कम है। यदि मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, मैक्सिमम बच्चे कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक ये वाला पार्ट है जो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, वो पंजाबी बोलने वालों का पार्ट है, और दूसरा ये रेड पार्ट है हिंदी बोलने वालों का पार्ट है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को पाई चार्ट के अंदर में दिखा सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और इस एक्सरसाइज में 100 रैंडमली सेलेक्टेड बच्चों में आपने ये पाया है कि 25 स्टूडेंट्स फुटबॉल प्ले करते हैं, 30 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और 40 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, जबकि 5 जो है म्यूजिक को लाइक करते हैं। इस समस्या के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए आपको बार ग्राफ और पाई चार्ट को बनाना है।